नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पीएसीएल और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। ये जो सर्च कर रहे हैं ये बहुत अच्छा सर्च कर रहे हैं। अब क्या है, वो जो ग्रुप बना है, वो जो यूट्यूब है, जरूर हम लोगों को न्याय दिलाने का यूट्यूब है, हमारे पास उसके सारे दस्तावेज है। अब हम सभी को उसको पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या गलत और क्या सही। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी त्रुटि मिले, 9 सिपाहियों के नंबर दिए हुए हैं जहाँ पर आप लोग संपर्क करके उसको क्लियरेंस ले सकते हैं। क्या हाँ, क्लियरेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, वो एक अच्छा सोल्यूशन, वो एक अच्छा रास्ता है जो हम लोग को एकजुट कर रहा है। और आए दिन हम लोग इधर उधर बने भी रहेंगे, हम भी कुछ अपने स्तर पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, इनके लेवल पे जो भी इनकी क्वेरीज थी, जो क्वेश्चन थे, इन्होंने किया है, हम भी बात करेंगे। आपको भी संतुष्टि होगा, आप भी बात करिए। आपको ऐसे क्या होगा, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप अपने सीनियर को हमेशा पूछते रहेंगे, डांटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, ठीक है। और एक जगह जवाब आज के डेट में हम लोग टूट रहे, इस जीरो न्यूज का बहुत बड़ा धन्यवाद है, बात दिलीप जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो यहाँ पर अकेले बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में आकर के लोगों को हर तरह से जिम्मेवारी समझ करके लोगों को बुला बुला करके एक जगह बुलाने का काम किया। अब इसमें क्या है, एक बात और, हम लोग टूटते कब है, जब हमारे बीच की कड़ियां टूटती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जिस रेंज में भी हैं और उसके बाद आपके जहाँ से भी जो जो सीनियर है, आप अपने इंटीरियर सीनियर से थोड़ा संपर्क साधना शुरू करिए कि भैया हम तो बड़े तकलीफ में है, अभी बहुत तकलीफ में है। तकलीफ दोनों की अलग अलग है, पैसा कमाना तो घर का परिवार के लिए पैसा जुटाना बड़ा दिक्कत है और लोग चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में अगर सब मिल करके नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के ऊपर दिक्कत आ गया है और आने वाले टाइम पे हो सकता है हमारी बारी हो सकता है इनकी बारी हो, ये सब प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए उनको आप आराम से घर में जाके बैठ करके बात कर लीजिए और बात करके बोलिए कि तुम्हारा अगर कोई भी मीटिंग का डेट हो, आप बाकी महीने भर पूरा का पूरा काम करिए, लेकिन उसके आप वहाँ पर उपस्थित होइए ताकि आपके ऊपर वालों को भी लगेगा कि चलो हमारे नीचे वाले लोग आ रहे हैं और आपके नीचे वाले को भी लगेगा कि चलो हमने इसको ज्वाइन कराया था उस समय में, बड़े सपने दिखाए थे, हमने भी देखे थे, आज उनके पैसे उनके लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, चलो हम लोग जाकर के उसमें अपने जेब से निकाल के तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हम लोग उसमें उस मुहिम में साथ दें जहाँ पर आने वाले समय में हम लोग दिक्कत कुछ कामयाबी दें। तो इसके लिए अगर हम लोग सब प्रयास करेंगे तो आपको विश्वास के साथ में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक रैंक, दो रैंक, तीन रैंक, चार रैंक, पांच रैंक तक जरूर दिख रहे हैं, उसके बाद से 12 रैंक में एक दो रैंक दिखेंगे, बाकी रैंक का पता नहीं है, चलो पता नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सारा एक ही आदमी का जिम्मेवारी है कि वो बोले, अगर पैसा हम लोग सबको चाहिए तो प्रयास हम लोग सबको करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से हमारे पैसे मिल जाते, हमको वो एक विकराल रूप बनाने की जरूरत है जिस टाइम पे ऐसा ऐसा पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हो, क्योंकि आज अभी बताया जिन्होंने, जैसे सर बता रहे थे AISO वाले या जन लोग प्रतिष्ठान वाले,
उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है और हर जगह पर भाषण करने का, हर जगह पर बड़े बड़े सभाएं करने का काम किया है। बाद में अगर उसकी नियति में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, जो उसके ऊपर वाले लोग हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़ा भीड़ को एक बड़ा बनाने का, मतलब आवाज को उठाने का काम किया है। और जो भी काम अगर मान लीजिए वहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है तो हमारा ये जीरो न्यूज है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आवाज जा रहा है और आवाज जा रहा है और उसको सिस्टमेटिक ढंग से, चाहे वो मेल करने का सिस्टम हो, मेल करने वाले सिस्टम में भी जो जो चीजें हैं उसको भी आप पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जो जो चीजें हैं, जो यहाँ पर आपका जितना भी पेज है, आप व्हाट्सएप का सारा नियम छोड़ करके उसको पढ़िएगा, इसीलिए कि उसमें कौन कौन सी चीज, कोई भी जगह अटक लगे आपको तो आप डायरेक्ट उनसे बात करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप भी बाकायदे उसमें क्लियर हो पाएंगे। जैसे अभी हम बोले ना इंग्लैंड कि हमको जीरो डिफेंस के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन जब दूसरी बार बैठेंगे तो हम ये आपसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमको आपको इसके बारे में आइडिया है, हमने बात किया है और हम यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। इसलिए कि अभी आइडिया पूरा नहीं है तो हम इसके बारे में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं सच में वही हमारा मसीहा है जो हमारा पेमेंट करा सकता है, या हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वो स्पोर्ट खराब है, कुछ नहीं। इसीलिए लेकिन ये भरोसा इनके ऊपर है कि इन्होंने अगर उनको सर्च किया हुआ है तो आप समझिए उसमें वाकई, और हम लोगों को लुटाने के लिए, हमारा पैसा गिराने के लिए उनका बहुत बड़ा प्रयास है, तो हम लोग सब लोग उनके साथ हैं, क्या साथ में है ना। अगर आगे का कोई कोई मीटिंग का डेट रहेगा तो आप जान रहे हैं कि आप इसको भूल करके आए हैं, आप जान रहे हैं कि आप इसको फोन करके नहीं आए हैं। मेरे से भी बहुत मिस्टेक हुए, हम भी बहुत लोगों को फोन नहीं किए, कुछ लोगों को फोन मिला है लेकिन बहुत लोगों को फोन मिला नहीं, क्योंकि क्या था कि बहुत सारे लोगों ने पहले का नंबर कुछ और रखा हुआ है और अभी का नंबर उनका तो जियो का है, तो एयरटेल का है, तो फोन जी का है, या सेट बदला है, या कस्टमर की परेशानी से नंबर भी बदल रखा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को क्या करना, सबसे तालमेल बनाए रखिए। मेरा विश्वास है कि अगर कोई लेट होगा तो कम से कम इस हॉल में नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हम लोग यही देखें, किसी से दुखू मैंने नहीं, किसी से लड़ाई लड़ने नहीं, ठीक है। और मैं समझता हूँ ना मेरे नाम पे वायर करने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना तो आपके नाम पर नाम पे करनी चाहिए, ना कोई छठे सत्ते आठवें रैंक के ऊपर में, इसलिए कि ये वायर अच्छा नहीं है। अगर आप आसानी से समझा लेते हैं तो ये सब नॉर्मल नहीं आएगी और कोई भी व्यक्ति एफ आई आर के पीछे नहीं। अभी मैंने इस न्यूज में एक तो न्यूज देखा था, जीरो न्यूज में कई बार क्या हो रहा है कि जो लोग नहीं सुनते हैं, दूर के सीनियर हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में दूर के सीनियर हैं, यहाँ पर क्या होता है इस न्यूज में कोई बात करते हैं, अगर कोई नहीं सुनता है तो उसके बारे में ये भी बोला जाता है कि उनके घर पे सारे लोग चले जाओ और जाने के बाद सबसे पहले उसको पीटो और पीटने के बाद में उसकी एफ आई आर सामने वाले थाने में करो, ठीक है। तो कहने का मतलब सबको पता है इस तरह का कोई भी परेशानी तो कोई नहीं लेना चाहेगा, तो सब लोग एकजुट यहाँ पर हो जाएंगे, सिस्टम चाहे जो भी हो लेकिन एकजुट होने का बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ। और जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे और कानूनी तरीके से और ईमेल के तरीके से और भी जो सिस्टम हो उस तरीके से भी अगर हम सरकार तक अपनी बात रख पाते हैं तो आने वाले बहुत कम समय में ठीक होना चाहिए, हमारा पैसा बहुत जल्दी क्लियर हो। रही बात अभी तो जो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि लुढ़ा कर बैठी क्या पड़ी, लेकिन जो गति है वो गति बताता है कि हमारा होता ही होता है। जैसे अभी 2500 वाला केस जो हमारे ऊपर चल रहा है वो हमारा अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं हुआ, जबकि अभी कुछ भाइयों के नंबरों पे मैसेज आना शुरू हो गए चेन्नई से कि आप अपने सारे दस्तावेज पोस्ट करो हमारे पास, इवेंट की आप अपने मेन डिटेल्स वगैरह भी पोस्ट करो, उसके बाद वहां से करने के बाद फिर बाद में उसने ये नहीं दर्शाया गया कि आप आपको पेमेंट कब तक करेंगे, लेकिन वो पोस्ट करने के लिए बोला गया। लेकिन उसमें फिर ये बताया गया बातचीत करने के उस कुमार पर सेबी से बात करने पे कई लोगों के हमारे ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास थे, या तो कहीं पर रखे गए, या तो कहीं पर हो गए, या तो कंपनी में पहले से जमा हो गए, तो ऐसे हालात में जो उसके ओरिजिनल रिसीविंग थे देने के लिए बोला जा रहा वहां से, लेकिन उसमें भी हम लोग हम कम से कम सहमत नहीं है कि अगर हम लोग पोस्ट से भी अगर किसी के ओरिजिनल दस्तावेज वहां पर भेजते हैं और किसी तरह का त्रुटि होता है तो उसकी कस्टमर की जिम्मेवारी देखो ले, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम लोग थोड़ा इंतजार बैठ के ना करें, जो प्रयास हमसे हो पाए, जैसे कहीं पर अगर कहीं ईमेल करना है तो इसमें दौड़ने का किसी को जरूरत नहीं, अगर किसी को व्हाट्सएप करना है उसके लिए दौड़ने का कोई जरूरत नहीं, मैसेज देने का आसान तरीका व्हाट्सएप है, मेल है, उसमें सब लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम उसको फोन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जिसको भी जहां से भी न्यूज मिले
उसके बाद सीधे वो अपना आ जाए या जो एक्शन मिले यहाँ पर जमा हो रहा है सब लोग हो जाए उसमें, लेकिन किंतु नहीं होना चाहिए कि तुम क्यों नहीं आए, हम क्यों नहीं आए, कोई आए नहीं आए, हमको पहले पूछना है। अगर यही सब लोग सोच लेंगे तो सबके साथ हो जाएंगे, बाकी काम तो सबका है, कौन ऐसा दिन कोई बिजी नहीं है, चाहे वो घर के काम से बिजी नहीं बिजी है, चाहे वो अपने रोजगार के लिए बिजी है, सबके सब बिजी है, करेंगे नहीं तो खाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोई 24 घंटे नहीं मांग रहा है, इसके लिए कोई 30 के 30 नहीं मांग रहा, जो भी समय हो आपके पास आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेक्स्ट टाइम में उपस्थित होंगे, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय जो भी है इन लोगों के मार्गदर्शन के हिसाब से चलेंगे। थोड़ा मुंह में संयम रखिए, कई लोगों के मुंह से इतनी उलाट अच्छी नहीं है, कई लोग जो है बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने कम मतलब या तो सीनियरों के लिए या फिर अपने नीचे वालों के लिए या फिर ऐसा लगता है कि सारा पैसा वही आगे जाकर बैठा हुआ। अरे दुबे जी क्या है, यासीन जी क्या है, अगर जाके 10 लोग समझाएंगे तो वो भी रेडी हो, उनको भी पता है क्या सिचुएशन चल रहा है, तो हम प्रेम से बात कर लेंगे तो सब मसला ही हल हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबके बात बच्चे बीवी परिवार है ना, किसी के ऊपर भी FIR करना अच्छा थोड़ी है, लेकिन अगर नहीं माने तो वो आपने तब फैल जाए, ये मेरा समझ है, बाकी जो आदेश तीनों का होगा उसमें हम भी एक। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।